नमस्कार दोस्तों, आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन की शिकायत दर्ज करने हेतु ऑनलाइन ऐप का उपयोग कर सकते हैं, जिसके लिए प्ले स्टोर में जाकर एक ऐप डाउनलोड करनी रहती। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की ऐप है, ECI ऐप, ये सी विजिल करके है। सी विजिल को हम इंस्टॉल करेंगे। जैसे ही ऐप इंस्टॉल हो जाएगी हम शिकायत दर्ज कर सकते हैं। इसमें दो प्रकार से शिकायत दर्ज होती है, एक हम अपनी जानकारी छुपा कर शिकायत दर्ज कर सकते हैं और एक अपनी जानकारी बताकर शिकायत दर्ज कर सकते हैं। इसमें जितनी भी ये लोकेशन संबंधित ये असेसमेंट मांगता है तो हमको ऑन कर देना है। इसमें इंग्लिश हिंदी जिस जिस भाषा में आपको करना है भाषा चेंज कर सकते हैं। यहाँ से इसके बाद गेट स्टार्ट करेंगे हम। एग्री करके हम इसका डिस्क्लेमर पढ़ के और नेक्स्ट कर देंगे हम। अब बिफोर ये इनका कहना है कि आपका फ़ोन का इंटरनेट चालू होना चाहिए और GPS ऑन होना चाहिए। सही बात है, तभी आपकी लोकेशन जाएगी। इसमें आप अपनी पहचान छिपाकर कोई शिकायत दर्ज करना चाहते हैं तो एनोमियस जो एक ब्लैक कलर में जो नीचे दिख रहा है ऑप्शन, इस पर हम क्लिक करेंगे तो हमको हमारी शिकायत जो दर्ज होगी वो हमारी आपके ना नाम जाएगा ना ही आपका फ़ोन नंबर जाएगा, डायरेक्ट शिकायत दर्ज हो जाएगी और किसी को पता भी नहीं चलेगा। इसमें फ़ोटो, वीडियो, ऑडियो तीन माध्यम से हम भेज सकते हैं। जैसे हम भेजना चाहें, जैसे फ़ोटो क्लिक किया हमने तो ये मोबाइल की लोकेशन से वो जगह की लोकेशन ले लेगा, और जैसे ही हम फ़ोटो खींचेंगे तो चुनाव आयोग को वो पहुंच जाएगी है क्या गलत हो रहा है वहाँ पर। ठीक है, अब जैसे किसी को शिकायत के बारे में और जानकारी भी चाहिए रहती है, वो अपनी पहचान गुप्त नहीं रखना चाह रहे हैं, तो लॉगिन कर सकते हैं हम। लॉगिन करने के लिए क्लिक लॉगिन करेंगे, यहाँ अपना मोबाइल नंबर डालेंगे और इस का एक OTP आता है, OTP डाल के लॉगिन हो जाता है। इसमें सिंपल प्रोसेस है, यहाँ पे हम OTP डालेंगे। जैसे लॉगिन हो जाता है सेम वही इंटरफेस खुल जाता है जो पहले था, और हम फिर इससे शिकायत दर्ज करेंगे। इससे जो भी शिकायत हम दर्ज करेंगे उन शिकायतों को हम देख भी सकते हैं, हमने जो पहले शिकायत दर्ज की उन पे क्या कार्रवाई क्या नहीं हुई है। धन्यवाद दोस्तों, आप चाहें इसका उपयोग कर सकते हैं। यहाँ क्लिक किया मैंने, ये देखिए प्रोसीड पर ये ऑप्शन आ गया। एक बार ये पूरा GPS लोकेशन ले लेता है। मेरा फ़ोन यहाँ पर है, अब यहाँ से ऑडियो रिकॉर्ड करके देख सकता हूँ मैं, वीडियो रिकॉर्ड करके देख सकता हूँ। तो ये मुझे करना है, एक बार मैंने सिंपल क्लिक किया, 5 मिनट का प्रोसेस है।